सलाम वालेकुम। जिस तरीके से चैप्टर सेल साइकिल कंप्लीट हो गया, अब हम बुक के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। और मैं हूं तलहा सलीम, मैं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर वी ट्यूशन से, जो कि पाकिस्तान का पहला फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। सो लेक्चर की तरफ हम चलते हैं और हम बुक के क्वेश्चन आंसर्स देते हैं इस चैप्टर के। अब बुक में जो है आपके क्वेश्चन, सबसे पहले डिटेल क्वेश्चन आंसर है। तो पहला है, डिस्क्राइब एंड कंपेयर द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस इन एनिमल सेल एंड कंपेयर इट विद प्लांट सेल। तो सबसे पहले आप माइटोसिस के प्रोसेस को डिफाइन कर देंगे। माइटोसिस क्या है? वो प्रोसेस या वो सेल डिवीजन जिसमें सेल इस तरीके से डिवाइड होता है कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स सेम रहते हैं फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, तो ओल्ड सेल इसकी वजह से रिप्लेस हो जाते हैं। और इसमें दो टाइप स्टेप्स आते हैं, एक कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस कहते हैं न्यूक्लियस की डिवीजन को, और साइटोकाइनेसिस सेल डिवीजन को, साइटोप्लाज्म की डिवीजन को कहते हैं। अब जो न्यूक्लियर मटेरियल डिवाइड हो रहा है यानी कैरियोकाइनेसिस, उसमें अगेन फेसेस है। प्रोफेज, पहली फेज जिसमें क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसॉल्व होना शुरू हो जाती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना शुरू हो जाता है, और स्पिंडल फाइबर जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, वो सेंट्रोमेयर ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। ये प्रोफेज वन में होता है। मेटाफेज में क्या होता है कि सारी चीजें यानी डिसअपियर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस और सेंट्रोमेयर दोनों ऑपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं, और जो स्पिंडल फाइबर्स है वो काइनेटोकोर पर अटैच हो जाते हैं क्रोमोसोम्स के। अब ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो जाते हैं, जिसके बाद एनाफेज स्टार्ट हो जाती है। एनाफेज में क्या होता है कि अब क्रोमोसोम से क्रोमेटिड एक दूसरे से अलग कर दिए जाते हैं। अब जैसे ही ऑपोजिट पोल की तरफ मूव होना शुरू हो जाते हैं, तो यहाँ पर फिर टीलोफेज स्टार्ट होती है, जिसमें एक डीप फरो बनना शुरू हो जाता है। और फिर क्या होता है कि क्रोमोसोम्स ऑपोजिट पोल पर रीच हो गए, स्पिंडल फाइबर्स फिर डिसअपेयर हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस आना शुरू होती है, न्यूक्लियोलस भी आना शुरू होता है, और इस तरीके से एक मदर सेल से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। साइटोकाइनेसिस, जो मैंने आपको कहा कि साइटोप्लाज्म की डिवीजन है। अब क्या है कि फर्क क्या है प्लांट और एनिमल सेल में, कि एनिमल सेल में जो है कि एनिमल सेल में जब एनाफेज के बाद यानी टीलोफेज में डीप फरो बनता है, एक अंदर इन्वेजिनेशन या ढलान अंदर की तरफ इनवर्ट्स की तरफ बनना शुरू हो जाती है, जो कि सेल्स को दो में डिवाइड कर देती है। अब प्लांट सेल्स में उनकी जो सेल वॉल है वो इतनी रिजिड होती है, तो वो इतना उनमें उसमें डिप्रेशन नहीं आ सकता, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो एक प्लांट सेल में एक सेल प्लेट बन जाती है, और इस तरीके से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। साथ ही साथ एनिमल्स में माइटोसिस एम्फीएस्टर होती है, मीन्स ये कि एस्टर फॉर्म होता है यानी सेंट्रोमेयर है। तो सेंट्रोमेयर पे मैंने आपको पिछले एक लेक्चर में बताया था कि उसमें एस्टर्स मौजूद होते हैं जो कि सेल डिवीजन में मदद करवा रहे हैं। एनिमल्स में ये एस्टर्स मौजूद होते हैं, तो ये इस वजह से माइटोसिस कहलाती है एम्फीएस्टरल, जबकि प्लांट्स में एस्टर या सेंट्रोमेयर ही मौजूद नहीं होते, तो जिसकी वजह से ये कहलाती है एनएस्टरल डिवीजन। और इसमें होता है ये इस वजह से कि जो सेल जो साइटो न्यूक्लियर एनवेलप है उसके बाहर ही स्पिंडल फाइबर्स मौजूद होते हैं। लोअर जो प्लांट्स होते हैं उनमें अलबत्ता जो एस्टर्स हैं वो मौजूद होते हैं। अब यहाँ पे डायग्राम भी बनानी थी, तो आप ये डायग्राम बना सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, ड्रॉ एंड डिस्क्राइब दी ऑल दी स्टेजेस ऑफ मियोटिक डिवीजन फेस वन, प्रोफेस वन एंड कंपेयर विद प्रोफेस टू। डायग्राम जो है वो आप बुक से बना लें, बुक से देखें। अब आपको सबसे पहले तो मियोटिक की बात करते हैं। मियोसिस क्या है कि ऐसी सेल डिवीजन जिसमें क्रोमोजोम्स के नंबर हाफ हो जाते हैं या हैप्लॉइड रिड्यूस हो जाते हैं। दो स्टेजेस आती है, मियोसिस वन, मियोसिस टू। आपके पास जो है वो मियोसिस वन, उसने कहा है कि मियोसिस वन की सारी स्टेजेस बतानी है और प्रोफेस वन और प्रोफेस टू को कंपेयर करना है। तो आप यहाँ पे मियोसिस को पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, प्रोफेस वन में क्या होता है। प्रोफेस वन है, और प्रोफेस वन में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकीटीन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस आ रही है। मेटाफेस है, फिर एनाफेस, या पूरी वही सारी चीजें हैं। तो आप उसके बाद फिर माइटोसिस, मियोसिस टू में, अच्छा उसने कहा है कंपेयर करने का, ये मैंने एडिशनल लिख दिया। तो आप यहाँ पे मियोसिस टू में जो उसने कहा है वो है कंपेरिजन, मियोसिस टू के प्रोफेस टू को प्रोफेस वन से कंपेयर करना है। तो प्रोफेस वन और टू में क्या फर्क है कि प्रोफेस वन में स्टेजेस होती हैं, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डायगेनेसिस। प्रोफेस टू में स्टेजेस नहीं होती हैं। अच्छा, प्रोफेस वन में जो है क्रॉसिंग ओवर होती है, क्यास्मा है, जबकि ये सारी चीजें प्रोफेस टू में नहीं होती है। उसके अलावा क्या कहते हैं, प्रोफेस टू में जो है यहाँ पे हम देखें तो प्रोफेस टू में वही सारी चीजें हो रही हैं, कोई स्टेजेस नहीं है। तो आप इसको एक डिफरेंस के तौर पे बना के लिख सकते हैं, ज्यादा लंबी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप मियोसिस की प्रोफेस वन एक्सप्लेन कर चुके हैं, वही एक लॉन्ग है और डायग्राम के साथ। तो यहाँ पे चार पॉइंट्स आप लिख दें, या आप अगर पैराग्राफ की सूरत में डिफरेंस करना चाहें तो तब भी कोई इशू नहीं। अब यहाँ पर आते हैं कि ड्रॉ द डायग्राम एंड डिस्क्राइब द यूकैरियोटिक सेल साइकिल।
यूकैरियोटिक सेल साइकिल यानी उसमें इंटरफेस माइटोसिस ये सारी चीजें आ जाती हैं। तो अब इसमें नेम वेरियस फेसेस है, आपको इंटरफेस ही डिफाइन करना है। इंटरफेस क्या है कि द नॉन डिवाइडिंग फेस होती है, इंटरवल बिटवीन टू डिविजन्स। अब इंटरफेस में आपको मैंने बताया था कि जी वन फेस है, जी एस फेस है, जी टू है। तो जी वन फेस में सिंथेसिस आरएनए वगैरह का हो रहा है, उसके बाद जी नॉट फेस आ जाती है, इसमें सेल या तो वाइबल रहता है, डिवाइड नहीं होता। एस फेस में सिंथेसिस होती है, सारी डीएनए डबल हो जाता है। जी टू में जो है वो क्रोमोजोम्स डबल हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें। अब क्या है कि आपको साथ ही उसने कहा था कि नेम वेरियस वगैरह वेरियस फेसेस एंड ब्रीफली डिस्क्राइब द इवेंट्स दैट अकर्स ड्यूरिंग ईच। तो अब यहाँ पे पूरा ये एक्सप्लेन करते हैं और कोशिश करें डायग्राम अगर है तो ज्यादा अच्छा है। राइट शॉर्ट आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब पहला है व्हाट इज एन इंटरफेस स्टेज ड्यूरिंग सेल साइकिल, अभी मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पे मैंने ये लिख दिया शॉर्ट। जी वन फेस का भी मैं आपको बता चुका हूँ, एस फेस का भी, सिंथेसिस फेस होती है, डीएनए सिंथेसाइज होता है, डबल्ड होता है। उसके बाद ए माइटोसिस। अब माइटोसिस देखें क्या है, माइटोसिस में सेल डिवाइड हो रहा है। ए माइटोसिस कहते हैं, ए का लफ्ज मैंने आपको बार बार बताते जा रहा हूँ, जहाँ ए इस्तेमाल हो रहा हूँ मीन्स आप समझ लें एबसेंट। तो यानी ये है कि ए माइटोसिस ऐसी डिवीजन है जिसमें स्पिंडल फाइबर्स नहीं बनते हैं। तो ये प्लांट्स में होती है, ये माइटोसिस कहलाती है। न्यूक्लियर बडिंग जो है, न्यूक्लियर बडिंग कहलाती है कि अगर जो न्यूक्लियर पोर्शन है वो अनइक्वल हो साइज में, तो ये न्यूक्लियर बडिंग कहलाती है। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय नेक्रोसिस एंड एपोप्टोसिस। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया है, ये कई सारे डिफरेंस लिखे हैं। आप यहाँ पे अगर दो नंबर का शॉर्ट आता है तो आप चार लिख दें, तो इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्रोसिस जो है वो डेथ होती है, सेल की डेथ होती है ड्यू टू एन इंजरी, जबकि एपोप्टोसिस प्री प्रोग्राम डेथ होती है कि अगर सेल जो है वो कोई हार्मफुल कॉज कर सकता है तो बॉडी जो है वो कैप्सिस पाथवे के थ्रू जो है सेल की डेथ करवा देती है, और इसमें सेल जो होता है श्रिंक हो जाता है नेक्रोसिस में, जबकि इसका पूरा ऑपोजिट होता है। अब है क्वेश्चन सिक्स, व्हाट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कैरियोकाइनेसिस क्या है, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियर, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस या न्यूक्लियर मटेरियल, यहाँ पे एक वर्ड मिसिंग है मटेरियल का, और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म होती है। उसके बाद है सवाल व्हाट इज न्यूक्लियर स्पिंडल। तो न्यूक्लियर स्पिंडल क्या रहता है, यानी ये माइक्रो ट्यूबुल के स्पिंडल बनते हैं, और इससे क्या होता है कि ये आपकी सेल डिवीजन में मदद करवाते हैं, यानी ये क्रोमोसोम्स को सेपरेट करवाने में, ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करवाने में मदद करवाते हैं, इधर माइटोसिस हो या मियोसिस हो। अब आपकी बुक में कुछ डेफिनेशंस हैं माइटोसिस की। सबसे पहले तो क्या माइटोसिस आपने लिख दिया कि सेल डिवीजन है और इसमें सेल डिवाइड होता है, क्रोमोसोम्स के नंबर सेम रहते हैं जनरेशन आफ्टर जनरेशन। मियोसिस में क्या होता है कि सेल डिवीजन की टाइप है लेकिन इसमें क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है। माइटोसिस में कोई वेरिएशन नहीं आती, मियोसिस में वेरिएशंस आती हैं। माइटोटिक एपरेटस होता है जो माइक्रो ट्यूब्यूल का पूरा एपरेटस बनता है, जो कि क्रोमोसोम्स की सेग्रीगेशन सेपरेशन में मदद करवा रहा है, ये माइटोटिक एपरेटस है। ए माइटोसिस यानी ऐसी सेल डिवीजन जो बगैर स्पिंडल फॉर्मेशन के हो, वो ए माइटोसिस है। साइटोकाइनेसिस कहते हैं डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। क्रोमोसोम्स क्या होते हैं कि क्रोमोसोम्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो कि न्यूक्लियस में मौजूद होते हैं, डिवाइडिंग फेस में ओनली सिर्फ विजिबल होते हैं, और ये कि जनरेशन इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट करवाने में मदद करवाते हैं। ये जो डीएनए होता है वो टाइटली कम्पैक्ट हो जाता है, कंडेंस हो जाता है इन दी क्रोमोसोम्स। अब डिप्लॉइड स्टेज आती है, डिप्लॉइड यानी ये होता है, एक तो डिप्लॉइड है और एक हैप्लॉइड है, ये ऊपर नीचे ट्रांसलेशन कर दी, माई बैड। तो डिप्लॉइड स्टेज होती है कि ऐसी स्टेज जिसमें दो सेट्स ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी के टू एन, और हैप्लॉइड में ये के आधे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मौजूद हो एज दी नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और पॉलीप्लॉइडी क्या होती है, ऐसी कंडीशन जिसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स दो से ज्यादा हो, या फिर आप इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि ऐसी कंडीशन जिसमें दो कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम से ज्यादा क्रोमोसोम मौजूद हो, इसको कहते हैं पॉलीप्लॉइडी। अब एक और सवाल है आपकी बॉडी बुक में जो है, डिस्टिंग्विश बिटवीन दी फॉलोइंग। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस देना है, तो यहाँ पे मैंने पैराग्राफ की सूरत में लिखा है। पहला है प्रोफेस एंड टीलोफेस। तो प्रोफेस में क्या होता है कि प्रोफेस में पहली फेस है, टीलोफेस लास्ट फेस है। प्रोफेस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होता है, टीलोफेस में रीअपेयर होता है। प्रोफेस में न्यूक्लियोलस डिसअपेयर होता है, टीलोफेस में रीअपेयर होता है। स्पिंडल फाइबर्स जो होते हैं वो बनना शुरू होते हैं प्रोफेस में, और टीलोफेस में खत्म हो जाते हैं। प्रोफेस में स्टार्ट डिवीजन होना शुरू होती है, टीलोफेस में डिवीजन खत्म हो जाती है। दूसरा सवाल है मियोटिक और माइटोटिक मेटाफेस। तो मियोटिक मेटाफेस क्या होती है कि मियोटिक मेटाफेस में, अच्छा ये जो है एक्चुअली ये मेटाफेस माइटोसिस की तो आपको पता होगा, मियोसिस की जो मेटाफेस है, मेटाफेस वन की बात हो रही है,
इसमें क्रोमोसोम्स क्या होता है, क्योंकि इसमें डबल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं चार, तो इस हिसाब से दो पैरेलल प्लेट्स बनती हैं। साथ ही साथ इक्वेटोरियल पर चार थ्रेड नजर आते हैं, ट्रेड होता है इसके अंदर, क्रॉसिंग ओवर वगैरह, तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट डिफरेंस की, नेक्स्ट डिफरेंस की तरफ, जो है क्लाइन फिल्टर और टर्नर सिंड्रोम, दोनों जो है वो मियोटिक एरर्स हैं। तो क्लाइन फिल्टर क्या होती है कि क्लाइन फिल्टर ट्राइसोमिक कंडीशन है और टर्नर्स मोनोसोमिक कंडीशन है। ट्राइसोमिक यानी एक एडिशनल क्रोमोसोम, मोनोसोमिक एक लेस क्रोमोसोम। और क्लाइन फिल्टर तकरीबन हर 1000 में से एक बर्थ है, जबकि टर्नर्स जो है हर 500 में से एक। इसी तरह क्लाइन फिल्टर में मैन जो होता है उसके पास दोनों सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों के। टर्नर के जो सिम्टम्स होते हैं वो शॉर्ट स्टेचर है और फोल्ड्स बने हुए होते हैं मुख्तलिफ बॉडी के, खास तौर पे स्किन और नेक की तरफ। और दोनों ये स्टेराइल होते हैं, दोनों यानी ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पर बुक के क्वेश्चन आंसर्स भी खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको पास्ट पेपर सॉल्व करवाऊंगा इस चैप्टर के। इस दौरान अगर आपको इस चैप्टर से या प्रीवियस चैप्टर से कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप कम्युनिटी पर पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, और मुझे दे इजाजत वी ट्यूशन के प्लेटफॉर्म से। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।